आप हैं अन अकेडमी पर और मैं हूं अनिल बिस्वानी। मैं लाइव हो गया हूं और आप लोग फटाफट आ जाइए क्योंकि क्लास आपकी शुरू हो गई है। और ये क्लास है स्पेशली लिटरेचर के लिए और चल रहा है हमारा जोफ्री चासर। थोड़ा सा बात करेंगे हम अन अकेडमी के बारे में। अन अकेडमी देता है आपको बेहतरीन एक सब्सक्रिप्शन और इसके बाद टीचिंग से रिलेटेड सारे एग्जाम्स में आपकी अपीयरेंस, यानी यू कैन गेट ओवर ऑल द कोर्सेज अवेलेबल ऑन अन अकेडमी। ऑल द कोर्सेज रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग से जी रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं सबके तैयारी आप कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि टीचिंग में आपको हेलो मिलती दोस्तों, है मेरा डेली लाइव नाम है क्लासेस, राहुल गौर है लाइव और टेस्ट, मैं भोपाल। क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं आपको, उनमें पाते हैं आप अनलिमिटेड एक्सेस। आपको अनिल बिस्वानी यानी मेरे अलावा बहुत से दूसरे मेंटर्स जो स्पेशली आपके लिए लगाए गए हैं वो टीच कर रहे हैं, आपको मेंटरशिप दे रहे हैं यहाँ अन अकेडमी पर, जिसमें टेट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और एच टेट, जितने भी टेट, बिहार टेट, जितने भी टेट के एग्जाम्स हैं इंक्लूडिंग सुपर टेट एंड टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर का जो कॉम्बो बैच मैं लेके आया हूँ और ये चल रहा है अभी, रनिंग में है, आज जोफ्री चासर का सेकेंड पार्ट होने वाला है। और आपको इसके अलावा मिलती है ढेर सारी प्रैक्टिस, लाइव टेस्ट, क्विजेज और शेड्यूल्ड वर्क जो लाते हैं हम आपके लिए। कोई लैंग्वेज की बारियर नहीं, आप जानते हैं 12 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है हमारे सारे कोर्सेज, जिसमें आप लर्न कर सकते हैं एनी वेयर, एनी एनी प्लेस, एनी टाइम इंटरेक्ट कर पाते हैं आप। अनअकैडमी के एडवांटेजेस की बात करें तो आप इंटरेक्ट कर पाते हैं आप अपने एजुकेटर से, अपने डाउट्स को करते हैं क्लियर और लाइव आंसर पोल्स में आप आंसर्स देते हैं और आप इवेल्युएट करते हैं अपनी तैयारी को कि किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है। लाइव टेस्ट क्विजेज में डिटेल्ड रिपोर्ट और एनालिसिस, यानी हम पूरा डाउट आपका क्लियर करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। ये सारी बातें होती हैं रोज और पीडीएफ लर्निंग मटेरियल की, जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियोज के साथ, लाइव क्लासेस के साथ आपको पीडीएफ और लर्निंग मटेरियल भी उपलब्ध और अवेलेबल कराया जाता है। आप जानते हैं ABI 10 है मेरा यानी अनिल बिस्वानी का कोड, ABI 10 यूज करने के बाद आपको मिलता है डिस्काउंट आपके सब्सक्रिप्शन में जो पहले से ही इतना कम है, 12 मंथ का 6,000 रुपए में आपको मिलता है कोर्स अन अकेडमी में। एक सब्सक्रिप्शन आपकी लाइफ को नया मोड़ दे सकता है, आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और आपके उस ड्रीम जॉब को जिसे आप पाना चाहते हैं दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। तो यूज करें ABI 10 का और 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आप अपने आप को बेनिफिट करें। ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं सीधे चलूंगा जेफरी चासर के अगली पीपीटी पर, जिसको मुझे आज एक्सप्लेन करना था और कल हम लोग बातें किए थे ढेर सारी जेफरी चासर के बारे में। जेफरी चासर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि वो जो है, इट इज नॉट नोन विच इन एनी चासर एक्सटेंट वर्क प्रमोटेड एंड रिवार्डेड। बहुत सारे रिवार्ड इनको मिलते थे, इनको शराब मिलती थी, है ना, 1 गैलन शराब रोज इनको दी जाती थी और कई सारे वर्क्स को इनको रिवार्ड दिया गया। ये पोएट लॉरेट की प्रथा शुरू करने वाले पहले कवि थे, ये पहले कवि थे जो राज कवि कहलाए किसी भी राष्ट्र के, और उसके बाद से एक प्रथा चल पाई जो कि अब तक चलती आ रही है पोएट लॉरेट्स की इंग्लैंड में और हर देश में लगभग एक राष्ट्रीय कवि होता है। आगे हम बात करेंगे इनके अचीवमेंट्स के साथ साथ इनके करियर की दूसरे डायमेंशंस की तरफ। तो ही मस्ट हैव बीन सीटेड फॉर द रोल एज ही कंटिन्यूड इन इट फॉर 12 इयर्स, 12 वर्षों तक लगातार ये कंटिन्यू राइटिंग करते रहे, अ लॉन्ग टाइम इन सच पोस्ट एज दैट दिस दैट टाइम, उस समय के लिए ये बहुत लंबा समय था। हिज लाइफ वाज अनडॉक्यूमेंटेड फॉर मच ऑफ द नेक्स्ट 10 इयर्स, अगले 10 वर्षों तक इनकी लाइफ थोड़ा सा अनडॉक्यूमेंटेड रही, मींस कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाता हमको कि किस तरह का जीवन इस उस समय इन्होंने बिताया होगा। वो 10 वर्ष इनके ब्लैंक पीरियड कहलाता है इनके करियर का। बट इट इज नॉट बिलीव्ड दैट ही रोट और बिगेन मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड, और हम लोग ये भी अंदाजा बाद में लगाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वर्क्स जो इन्होंने कंप्लीट किए ये शायद वही 10 वर्ष का समय था जब अज्ञात है, अनडॉक्यूमेंटेड है हमारे लिए, हम नहीं जानते वो कहाँ है, तो उस समय इन्होंने जरूर लिखा होगा इनको, क्योंकि ढेर सारा वर्क इन्होंने तैयार किया, बहुत सारे वर्क को पब्लिश करवाया। ही वॉज मेंशनड इन लॉ पेपर्स ऑफ 4 मई 1380, इन्वॉल्व इन रैप्टस, रैप्टस का मतलब होता है सीजर, रेप और सीजर, किसी को पकड़ लेना, ठीक है ना, रेप कर देना का मतलब है सीजर कर लेना, कैप्चर कर लेना, पकड़ लेना, सिसिलिया कैंपेन, ये सिसिलिया कैंपेन में इन्वॉल्व रहे जो इंग्लैंड में हुई थी 4 मई 1380
1380 को, ये डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड मिलता है इनका। बिल्कुल सबको गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड इवनिंग। मोनिका, भुवल सानी, गगन, सीडी सीडी क्लासेस, गुरुजी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, इनके बारे में। तो आगे आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। नेहा जी गुड इवनिंग। तो आगे हम बात करेंगे। अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम 14th सेंचुरी हैज एमर्ज्ड दैट शेड्स न्यू लाइट्स ऑन द चार्ज ऑफ द रेप ब्रॉट अगेंस्ट द कैंटरबरी टेल्स ऑथर जेफरी चासर इन 1380। ये क्या था रेप और किस तरह से इन्होंने ये उसमें इन्वॉल्व थे, ये आगे इनकी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगे हाथ जिनसे ये पता चल पाया। अ क्लाउड ऑफ सस्पिशन हैज हंग ओवर द राइटर्स सिंस 1817 1817 1870 1870 आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट डिक्लेयरिंग दैट द सिसिली कैंपेन हैड एग्रीड टू रिलीज चासर फ्रॉम द ऑल एक्शंस कंसर्निंग रेप। उस रेप से रिलेटेड जितने भी चार्जेस इन पर थे उनसे ये बरी कर दिए गए। द रैप टू मेयो डिबेट हैज रेज्ड, ये नाम की डिबेट टू डिबेट हैज रेज्ड ओवर द केस एवर सिंस, और हमेशा इस केस को लेकर के चासर के जीवन के बारे में जब भी बात होती है तो इस केस को लेकर के जरूर बहस छिड़ जाती है, डिबेट होने लगती है। बिकॉज ऑफ द टर्म रैप्टस, ये रैप्टस टर्म जो इसमें यूज किया गया इसकी वजह से जरूर रेप से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक जरूर इनका रहा होगा, कोई केस इनके ऊपर किया होगा या किस तरह से कोई बात रही होगी। विच कुड मीन रेप और एब्डक्शन, जिसका मतलब ही होता है, उस रैप्टस वर्ड का मतलब ही होता है रेप या एब्डक्शन, अपहरण कर लेना किसी को। वेरी 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 गुड इवनिंग। What was meant in unclear, और इसका मतलब क्या था उसमें, रैप्टर्स का मतलब इनके डॉक्यूमेंट्स में जो मिला उसका मतलब अनक्लियर था। बट द इंसिडेंट सीम्स टू हैव बीन रिजॉल्व्ड क्विकली विद एन एक्सचेंज ऑफ मनी इन जून 1380 एंड डिड नॉट लीव अ स्टेन ऑन चार्सर्स रेपुटेशन। हाँ, बट द इंसिडेंट सीम्स, ये जो घटना थी ये प्रतीत होती टू हैव बीन रिजॉल्व्ड, शायद ये रिजॉल्व कर ली गई थी जो भी केस रहा होगा इनका रेप्टस रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड मींस रेप से रिलेटेड जो भी चार्जेस इन पर रहे होंगे वो रिजॉल्व कर दिए गए होंगे, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मनी इन जून 1380 ये डॉक्यूमेंट्स के जरिए सामने आया, कुछ पैसे का लेन देन 1380 में हुआ था तो रिजॉल्व जरूर हो गया होगा ये। एंड डिड नॉट लीव अ स्टेन ऑन चार्सर्स रेपुटेशन, और इस वजह से ऐसा लोग मानते हैं कि कोई स्टेन यानी कोई धब्बा चार्सर के रेपुटेशन पर नहीं था, सॉल्व हो गई होगी ये सजा, इनको नहीं हुई या किसी प्रकार का कोई ऐसा डिफेमेसी नहीं का कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया। इट इज नॉट नोन इफ चासर वाज इन द सिटी ऑफ लंदन एट द टाइम एंड पीजेंट रिवॉल्व, ये पीजेंट रिजॉल्व लंदन सिटी में हुआ उसमें थे ये कि नहीं थे शामिल, ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आया सामने। बट इफ ही वॉज लगन, अगर वो थे ये जो पीजेंट यानी किसानों का जो रिवोल्ट यानी विद्रोह हुआ था, ही वुड हैव सीन इट्स लीडर पास ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिज अपार्टमेंट विंडो एट एल्डिगेट। तो एल्डिगेट ही वुड हैव बीन सीन इट्स रीडर्स, जो पीजेंट रिवोल्ट के जो रीडर्स थे, पास ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिज अपार्टमेंट, वो उनके अपार्टमेंट से होकर गुजरते थे, विंडो एट एल्डिगेट, जो जिक्र किया था उसमें एल्डिगेट का, उसमें जो विंडो थी उसमें से गुजरते हुए इनके डॉक्यूमेंट्स के जरिए ऐसा पता चला, तो इनका इनका इन्वॉल्वमेंट उनके साथ होना मेरे ख्याल से असंभव ही था। एल्डिगेट वॉज वन ऑफ द गेट्स, ये जो गेट था जिसको अभी विंडो कहा गया, गेट्स इन द फॉर्मर डिफेंसिव वॉल अराउंड द सिटी ऑफ लंदन, जहां पर विद्रोह हुआ था किसानों का जहां पर विद्रोह हुआ था उस विद्रोह में, सॉरी एक मिनट, उस विद्रोह में एक दीवार किसानों की चारों तरफ थी, इस वजह से थी कि जैसे बैरिकेटिंग लगाती है पुलिस जब भी किसानों का या किसी का भी विद्रोह होता है, जैसे दिल्ली में आजकल चल रहा था कि एक दीवार बना दी गई, दीवार का मतलब है एक बहुत बड़ी बैरिकेटेड बैरिकेटिंग कर दी गई, वहां पर बैरिकेट बना दिया गया ताकि कोई किसान अंदर ना आ सके, तो इस तरह से वो डिफेंसिव वॉल का जिक्र शायद उसमें मिलता है इनके इनके डॉक्यूमेंट्स के जरिए, अराउंड द सिटी ऑफ लंदन, जो सिटी के चारों ओर बना दी गई थी ताकि किसान किसान जो है सिटी के अंदर
प्रवेश न कर पाए। व्हाइल स्टिल वर्किंग एज कंप्ट्रोलर, जब ये कंप्ट्रोलर की तरह काम कर रहे थे, आईएएस ऑफिसर की तरह काम कर रहे थे, चौसर अपीयर्स टू हैव मूव्ड द कैंट। तो शायद तो डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये पता चलता है कि ये कैंट भी गए थे। बीइंग अपॉइंटेड एज वन ऑफ द कमिश्नर्स ऑफ द पीस ऑफ कैंट, कैंट में विद्रोह से उत्पन्न जो उथल पुथल थी उसको पीस में बदलने के लिए, पीस फॉर कैंट बनाकर इनको कैंट में पीस के लिए भेजा गया इनको। और ये इनका पद क्या था, एज ए कमिश्नर ये वहां गए थे। एट अ टाइम व्हेन फ्रेंच इन्वेजन वाज पॉसिबिलिटी वाज अ पॉसिबिलिटी। और यही वो समय है जब फ्रेंच का इन्वेजन का मतलब है आक्रमण पॉसिबली हुआ था। फ्रांसीसियों ने लंदन पर आक्रमण किया था। ही इज थॉट टू हैव स्टार्टेड वर्क ऑन कंटेम्पररी टेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा माना जाता है कि 1380 के आसपास, 1380 लिखा है, एस लगा है, इसका मतलब 1380 के आसपास या एक साल पहले या एक साल बाद, अप्रोप्रिएट टाइम तो नहीं पता, तो कंटेम्पररी टेल्स को इन्होंने लिखा, ऐसा डॉक्यूमेंट से इनके पता चलता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ही ऑल्सो बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द कैंट इन 1386, 1800। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ही पॉइंट हैं जिनके लिए आप चासर को पढ़ रहे हो, कुछ खास पॉइंट्स हैं जिनसे राइफ रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये फादर ऑफ इंग्लिश और फादर ऑफ पोएट्री कहलाते हैं। तो किसी भी एग्जामिनेशन में चासर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चासर हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि वो हिस्ट्री का आधार है और हिस्ट्री को शुरुआत ही उन्हीं से मिली। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री का जब भी जिक्र आएगा, मध्य युग का जब भी जिक्र आएगा, मिडिल एज का जब भी जिक्र आएगा, तो जेफरी चासर का जिक्र ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ही बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे 1806 में। 80 में इन्होंने कैंटरबरी टेल्स शुरू की थी लिखना, 1386 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए गए। एंड अटेंडेड द वंडरफुल पार्लियामेंट दैट ईयर। और उस शानदार पार्लियामेंट में इन्होंने अपीयरेंस दिया और वहां ये पहुंचे। ही अपीयर्स टू हैव बीन प्रेजेंट एट मोस्ट ऑफ द 71 ईयर्स ऑफ द 71 डेज। इतने दिन ये रहे, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा है जो आपको समझना चाहिए। इट सेट 71 डेज फॉर विच ही वॉज पेड 249 यूरोज। इतने यूरोज इनको पे किए गए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। ऑन 15 अक्टूबर दैट ईयर, उस वर्ष 15 अक्टूबर को, ही गेव अ डिस्पोजिशन इन केस ऑफ स्क्रॉप एवर्स ग्रॉस वेनर। 15 अक्टूबर को उसी वर्ष ही गेव अ डिस्पोजिशन इन द केस ऑफ स्क्रॉप वर्सेस ग्रेस वर्ड। ये केस हुआ और इसको निपटाने में, डिस्पोजिशन करने में, इन्होंने 15 अक्टूबर को बहुत ही डिपोजिशन किया। डिपोजिशन का मतलब होता है इनको पद से हटा दिया गया, हटा दिया गया इनको पद से, डिस्पोजिशन कर दिया, डिपोजिशन कर दिया गया, पोजिशन से डिपोजिशन कर दिया गया। आगे बढ़े तो पता चलता है इन 1385 में रिचर्ड सेकंड एक आर्मी के साथ एक पिनिटिव एक्सपेडिशन टू स्कॉटलैंड में किया। पिनिटिव का मतलब होता है विद्रोही। उस एक्सपेडिशन को किया, विद्रोहियों को दबाने के लिए एक यात्रा की, एक्सपेडिशन किया। एक्सपेडिशन आप जानते हैं वह यात्रा होती है, वह ट्रेवलिंग होती है, वह यात्रा होती है जो पर्पसफुल होती है, पर्पसफुल होती है, समझ रहे हैं बात को। और कहाँ गए ये, स्कॉटलैंड को रिचर्ड सेकंड के साथ एक आर्मी में ये कमिश्नर की हैसियत से वहां गए। ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन टू ऑफ द किंग्स, ठीक है ना, और नाइट्स योद्धाओं की तरह, रिचर्ड स्क्रोप, फर्स्ट बैरन स्क्रोप ऑफ बोल्टन जो था, और फ्रॉम बोल्टन इन न्यूयॉर्क यॉर्कशायर, एंड सर रॉबर्ट ग्रोसनर फ्रॉम चेसायर। ये दोनों योद्धा थे जो इनके साथ गए थे। इनका बहुत जरूरी नाम नहीं याद करना है, बिल्कुल भी मेरे ख्याल से नाम नहीं याद करने की जरूरत है इनको। सिर्फ इतना यहाँ पर पॉइंट ये याद कर सकते हैं आप कि 1385 में रिचर्ड सेकेंड के साथ पिनिट्यू एक्सपेडिशन को दबाने के लिए ये स्कॉटलैंड गए थे, और इनके साथ दो योद्धा भी थे, उनके नाम याद करना जरूरी नहीं है। वो वहीं के गवर्नर थे जो इनके साथ में गए थे, जो नाइट्स की तरह इनके साथ गए थे। बोथ रिलीज्ड दे
बोथ रियलाइज दे वर यूजिंग द सेम कोट ऑफ आर्म्स, और एक ही कोट ऑफ आर्म्स ऐसा लग रहा है कि वो लोग पहने हुए थे, यानी बराबर के पद पर थे, और ब्लॉन्ज्ड अज्योर जिसका नाम था, ब्लॉन्ज्ड ब्लैंड ब्लैजन सॉरी ब्लैजंड अज्योर, ब्लैजंड का मतलब होता है बहुत कठोर धातु का, कांसे का बना हुआ, कांसे का बना हुआ। व्हेन स्क्रॉप ब्रॉट एन एक्शन व्हेन स्क्रॉप ब्रॉट एन एक्शन ग्रॉसनर मेंटेन हिज फैमिली हैड वोर्न दिस आर्म सिंस दिस एंसेस्टर हैड कम टू इंग्लैंड विद विलियम द कंकरर। ये विलियम द कंकरर वह किंग था जिसने सर्वप्रथम इंग्लैंड पे आक्रमण करके यहाँ पर शासन सत्ता अपनी स्थापित की थी, और एंग्लो सैक्सन की प्रथा यहां से चालू हो गई। एंग्लो सैक्सन, ये सैक्सन्स में से एक था विलियम द कंकरर, और इनके साथ जो लोग आए थे वो इस ब्रैजन ब्लॉजन को पहने हुए थे, और उनकी फैमिली हमेशा, ये इनके साथ जो गए थे बोथ रियलाइज, दोनों जो गए थे इनके साथ जो योद्धा थे वो ब्लॉन्ज्ड अजर पहने हुए थे, और ये इसलिए पहने हुए थे और कहते थे कि मेरी फैमिली जब विलियम द कंकरर के साथ 1066 में आई थी इंग्लैंड को, उस समय ये ब्रैजन कोट प्रचलन में थे, और ये हमारे हमारे परिवार की एक संपत्ति है, हमारे परिवार की एक प्रथा है कि हम इसको पहनेंगे, और तब से हम पहनते चले आ रहे हैं, ऐसा उनका मानना था, उनके जो साथी थे। देर इज नो फर्दर रेफरेंस, और ये इतना लिखा हुआ है उसमें जो रेफरेंस दिया हुआ है, देर इज नो फर्दर रेफरेंस आफ्टर दिस डेट टू फिलिपा, फिलिपा से रिलेटेड और कोई आगे जो चासर की वाइफ थी। एंड सी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन डाइड इन 1387, ये पेज कहीं मिस हुआ है, ठीक है, ही सर्वाइव द पॉलिटिकल, इसमें कुछ पेज मिस हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं बात कर रहा था, फिलिपा इनकी पत्नी का नाम था, मैं यहाँ पर थोड़ा रेफरेंस दे देता हूँ, फिलिपा इनकी पत्नी का नाम था जिनसे इनकी शादी हुई थी, और ये उनके साथ एक बहुत लंबा समय बिता चुके थे, और आफ्टर दिस डेट टू फिलिपा चासर्स वाइफ एंड सी प्रिज्यूम्ड, ये इसको मैं यहाँ से, इसके पहले की कहानी आगे अभी आएगी उसको बता दूंगा मैं, तो इसी मृत्यु का पॉइंट है यहाँ पर, ये देख सकते हैं कि फिलिपा की मृत्यु, फिलिपा की फिलिपाज डेथ कब हुई थी, ये 1387 थी, 187 यानी 1387 में फिलिपा की मृत्यु हुई थी, और ये सरवाइव द पॉलिटिकल डिस्टरबेंसेस कॉज्ड बाय द लॉर्ड्स अपॉइंटमेंट्स, इवन दाउ चासर न्यू सम ऑफ द मेन एग्जीक्यूटेड ओवर द अफेयर क्वाइट वेल। इस पेज को मैं ले लेता हूं बाद में, फिलिपा का आगे आ गया, ठीक है, मैं यहां से ले लेता हूं उस रेफरेंस को, उसके साथ में पेज लगा के, और फिर आपको उसकी कहानी बता दूंगा। द लॉर्ड्स अपेलेंट वर अ ग्रुप, ये लॉर्ड्स अपेलेंट का एक ग्रुप था इंग्लैंड में जो फॉर्म किया गया था, नोबल्स, और ये इसमें श्रेष्ठ जन थे सब, ये एक ग्रुप बनाया गया था, द रेन ऑफ किंग रिचर्ड सेकेंड, और ये बना था किंग रिचर्ड के, ये पॉइंट है शानदार, द लॉर्ड्स ऑफ अपेलेंट वॉज अ ग्रुप फाउंडेड इन द लीडरशिप ऑफ किंग रिचर्ड सेकेंड, जो 1328 में सॉट टू इम्पीच सम फाइव ऑफ, तुष्टिकरण करने के लिए फाइव ऑफ द किंग्स फेवरेट इन ऑर्डर टू द रिस्ट्रेन व्हाट वॉज टायरनिकल एंड कैप्रिशियस रूल, जो शासन सत्ता के कैप्रियस और टैरिनस का, टैरिनिकल का मतलब होता अत्याचारी, अत्याचारी रूल्स के खिलाफ एक संगठन उठ के खड़ा हुआ था, लॉर्ड्स ऑफ अपेलेंट जो एक ग्रुप था 1388 में जिसको इसकी स्थापना की गई, इस सॉट क्या था, सॉट का मतलब उद्देश्य है, जिसकी खोज में थे, उद्देश्य इसका क्या था छापने का बनाने का, सॉट टू इम्पीच, ऐसे लोगों का तुष्टिकरण करना, उनको इम्पीचमेंट करना, फाइव ऑफ किंग्स फेवरेट, और वो फाइव थे जिनका इम्पीचमेंट करना चाहता, फेवरेट थे किंग के, इन ऑर्डर टू, और वो फेवरेट इतना अत्याचार करते थे जनता पर कि उसके इम्पीचमेंट के लिए, उनके इम्पीचमेंट के लिए ये ग्रुप की फाउंडेशन की गई थी, टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन माने काबू करना, लगाम लगाना,
और व्हाट वाज टायरनिकल, जो भी अत्याचार से भरा हुआ था, जो रूल्स की अवहेलना करता था, और जो भी कैप्रिसियस का मतलब शरारती होता है, जो शरारती तत्व थे, शरारती चीजें थी रूल में, शासन में, उनके खिलाफ, वो पांचों लोगों के खिलाफ। द वर्ड अपेलेंट सिंपली मीन्स वन हु इज अपीलिंग इन अ लीगल सेंस, और ये श्रेष्ठ जन किसी प्रकार का कोई 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 फोर्स यूज नहीं करते थे, मींस कोई बल का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि ये अपील करते थे लीगल सिस्टम की। लीगली ये गांधी जी की तरह अपनी आवाज को उठाते थे, पिटते थे और उठाते थे। और ये ग्रुप किसका था, जो गांधी जैसा, गांधी जी की विचारधारा पर चलता हुआ जैसा लग रहा है, ये लॉर्ड्स ऑफ अपेलेंट थे। लॉर्ड्स अपेलेंट का नाम का ग्रुप था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है चाचर के जीवन का। ऑन 12th जुलाई 1389 चाचर वॉज अपॉइंटेड द क्लर्क। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लर्क बना दिए गए किंग के काम का, क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क, अब शॉर्ट फोरमैन ऑर्गेनाइजिंग मोस्ट ऑफ द किंग्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट। जो भी उनके निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स थे, उन सभी को संभालने के लिए एक क्लर्क की तरह ये काम करने लगे। और वो वर्ष था जिस वर्ष इन्होंने ऐसा किया, 1389 का, 1389 वह वर्ष था। ये चौथा बहुत बेहतरीन पॉइंट है जो आपको याद रखना है, अलग नोट कर लेना है इस बात को। नेटवर्क इशू हो गया भैया। भैया सबको गुड इवनिंग। मैं थोड़ा सा, 1 घंटे की एक क्लास है, इसलिए इसलिए मैं कंटिन्यूअसली इसको टीच करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा बातें वहां कुछ खास नहीं कह रहे हैं, आप लोग गुड इवनिंग कह रहे हैं, सबको ले लिया मैंने गुड इवनिंग। मैं चाहता हूँ मैं कंटिन्यूअसली इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। नो मेजर वर्क बिगेन ड्यूरिंग हिज टेन्योर। कोई बहुत बड़े काम उन्होंने नहीं किए, कुछ बहुत बड़े लेखन कार्य उन्होंने नहीं किए अपने इस टेन्योर में, जब वो काम कर रहे थे क्लर्क की तरह या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह। बट ही डिड कंडक्ट रिपेयर्स ऑन वेस्टमिनिस्टर पैलेस। कंडक्ट रिपेयर्स में काम किया इन्होंने, कहने का मतलब क्या है, आचरण सुधार पे। सर सैंड्स चैपल विंडर कंटिन्यू बिल्डिंग द वार्फ। वार्फ का मतलब होता है घाट, जिसे बनारस में घाट बने हुए, वार्फ, एट द टावर ऑफ लंदन, एंड बिल्ड द स्टैंड्स फॉर द टूर्नामेंट हेल्ड 1319। जब ये क्लर्क बनाए गए इस टेन्योर के दौरान, इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, बल्कि कुछ चीजों की, जैसे वेस्टमिनिस्टर पैलेस, सेंट जॉर्ज चैपल विंस्टर में, और दूसरा जो घाट था, कहाँ बनाया था ये, चैपल, सेंट जॉर्ज चैपल विंस्टर में, और ये टावर की निर्माण इन्होंने किया, टावर ऑफ लंदन का, एंड बिल्डिंग द स्टैंड फॉर द टूर्नामेंट हेल्ड इन 13, जो टूर्नामेंट 1319 में शुरू किया गया वहां खेलों का, उसकी दीवार और उसके उसकी बाउंड्री को बनाने का श्रेय भी इनको जाता है। इट मे हैव बीन डिफिकल्ट जॉब, बड़ा कठिन जॉब रहा होगा, बट इट पेड वेल, लेकिन पैसा इनको बहुत मिला। टू सीलिंग्स अ डे, दो सीलिंग एक दिन के मिलते थे, मोर देन 3 टाइम्स हिज सैलरी एज ए कंपटोलर। जो सैलरी थी इनकी एज ए कंपटोलर, उसकी सैलरी से 3 गुना इनको एक दिन का पैसा मिलता था। जो ये परमानेंट सैलरी इनको कंपटोलर के रूप में मिलती थी, उसके अलावा चासर वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड। ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, ये नेट के लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ नहीं पूछा जाने वाला है टीजी पीजी या जीआईसी लेक्चरर में, इतना गहरा क्वेश्चन नहीं आता। द किंग्स पार्क ऑफ फैकनम फॉरेस्ट इन वार्विकशायर, वर्सेस्टरशायर है, वर्सेस्टरशायर, शायर 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 ही है, जैसे हमारे यहाँ पुर होते हैं, बाद होते हैं, महमूदाबाद है ना, ठीक है ना, पुर होते हैं और गंज होते हैं, उसी तरह वहां शायर होते हैं, शायर, SHIRE, ठीक है ना, वर्सेस्टरशायर है ये, विच वॉज अ लार्जली ऑनरेबली अपॉइंटेड। चासर वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड कीपर ऑफ द लॉज एट द किंग्स पार्क इन फेकहम है, फेकनम फॉरेस्ट इन वर्सेस्टर शायर में स्थित। ये भी स्थान का नाम है और ये भी स्थान का नाम है। यहाँ पर ये लॉज के कीपर बनाए गए, जो बहुत ऑनरेरी अपॉइंटमेंट था। ऑनरेरी का मतलब है अवैतनिक, अवैतनिक, इनको तनिक भी वेतन नहीं मिलता था, अवैतनिक का मतलब हो गया वेतनहीन काम करते थे वहां, उसके लिए इसको, इनको कोई पैसा नहीं दिया गया, बाकी खूब लूटा इन्होंने।
लेटर लाइफ जो बाद का इनका जीवन था, बरीड इन क्वेस कॉर्नर, बाद के जीवन में इनकी मृत्यु और यहां से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से शुरू हुआ। ये पहले कवि थे द फर्स्ट पोएट टू बी बरीड ओवर देयर, और पहले हिस्ट्री के, इंग्लिश हिस्ट्री के पहले कवि थे, और ये पोएट्स कॉर्नर में दफनाए जाने वाले पहले कवि थे जो वेस्ट मिनिस्टर एबे में, तब ये पोएट्स कॉर्नर नहीं था, इसका नाम इसका नहीं था। चासर इज आल्सो कमेमोरेटेड बाय दिस स्टेन्ड ग्लास विंडो एट साउथ साउथवार्क कैथेड्रल, उसकी प्रशंसा भी की। इन सितंबर 1390 रिकॉर्ड से दैट चासर वाज रॉब्ड एंड पॉसिबली इंजर्ड, इनको लूट लिया गया और इनको घायल कर दिया गया व्हाइल कंडक्टिंग दिस बिजनेस, ये जब ये काम कर रहे थे वहां, एंड ही स्टॉप्ड वर्किंग इन दिस कैपेसिटी ऑन 17 जून 1391, और 1391 में इस जॉब से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और छोड़ दिया। ही बिगेन एज डेप्यूटी फॉरेस्टर इन रॉयल फॉरेस्ट ऑफ पैथरटन, पैथरटन के रॉयल फॉरेस्ट में शाही बाग की रखवाली के लिए इनको डेप्यूटी के पद पर भी रखा गया कुछ दिनों के लिए, जो जो उस पिछली लाइन ही है यहाँ, पार्क इन नॉर्थ पैथरटन समरसेट ऑन 22 जून, 22 जून 91 को, 22 जून 91 को, 1391। दिस वॉज नो सिंक्योर, ये कोई साइनक्योर नहीं थी, साइनक्योर का मतलब होता है नो वर्क फुल सैलरी, ये साइनक्योर ऑनरेरी का अपोजिट है। साइनक्योर का मतलब होता है ढेर सारी सैलरी और कोई काम नहीं, वन हु वर्क्स नथिंग, वन हु डू डज नो वर्क बट गेट हाईली पेड, और ऑनरेरी का मतलब होता है वर्क विद नो सैलरी, ये अवैतनिक है और ये सरकारी नौकरी है। हालांकि मेरी सरकारी नौकरी ऐसी नहीं है, मैं बहुत मेहनत से काम करता हूं, सरकारी नौकरी तो ये अवैतनिक है और ये सरकारी नौकरी है, दोनों वर्ड्स को अलग अलग अपना ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है ना। वर मेनी, हाँ, दिस वाज नो साइनक्योर, और ये जॉब जो इनको मिला पार्क में रहने का, ये साइनक्योर भी नहीं थी पूरी तरह से। विद मेंटेनेंस एट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जॉब, मेंटेनेंस करना इनका इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जॉब था, ऑल्दो देयर वाज मेनी अपॉर्चुनिटीज टू डिराइव प्रॉफिट, हालांकि बहुत सारे ऐसे मौके थे वहां पर कि प्रॉफिट निकाल सकते थे क्योंकि मुख्य कर्ता धर्ता थे वहां के, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं। रिचर्ड सेकेंड ग्रांटेड हिम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनुअल पेंशन ऑफ 20 पाउंड्स इन 1394, 1394 में 20 पाउंड की एनुअल पेंशन इनको देना शुरू कर दी, जो रफली 25,000 US डॉलर या 33,000 इन 2018 में की मनी होती थी, 25 यूरोज 25,000 और डॉलर 33,000। एंड चासर्स नेम फेड्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नॉट इन 99। जब रिचर्ड हार गया और उसके बहुत नाम नहीं चल पाया, फेड हो गया यानी धुंधला हो गया, यानी राज्य का, यानी जो इनका इनका जो पैटर्न था, पैटर्न का मतलब संरक्षक होता है, वो युद्ध हार गया तो इनका नाम भी बहुत दिनों तक नहीं चल पाया लिटरेचर में। द लास्ट फ्यू रिकॉर्ड्स ऑफ हिज लाइफ शो हिज पेंशन रिन्यूड बाय न्यू किंग, नया राजा आया उसने इनकी पेंशन को रिन्यू कर दिया, एंड ही टेकिंग अ लीज ऑन अ रेजिडेंस विद द क्लोज वेस्ट मिनिस्टर एबे 24 दिसंबर 1909, लीज पर इन्होंने एक क्लोज जो नजदीक था वेस्ट मिनिस्टर के वहां पर एक बहुत बड़ा रेजिडेंस ले लिया। हेनरी फोर्थ, ये वो व्यक्ति था जिसने रिचर्ड सेकंड को हराया और रिन्यू कर दिया इनकी ग्रांट्स को, असाइंड बाय रिचर्ड, जो रिचर्ड के द्वारा जो
असाइंड की थी ग्रांट्स, उनको रिन्यू कर दिया। बट द कंप्लेंट ऑफ चासर टू हिज रिवार्ड हिंट्स दैट द ग्रांट्स मे हैव नॉट बीन पेड। इसीलिए ऊपर कहा गया कि इनकी इनको डिफेमेसी मिली। डिफेमेसी का मतलब है इनका बहुत ज्यादा करियर नहीं चल पाया कि इनके साथ धोखा हुआ। धोखा ये हुआ कि इनसे कहा गया वो 50 देता था, मैं तुमको 100 दूंगा, लेकिन वो गा ही रहा, कभी है नहीं हुआ। मतलब समझ गया, ढपोरसंग बना दिया इनको, इनसे कहा तो लेकिन इनको दिया कुछ नहीं। द लास्ट मेंशन ऑफ चासर जो डॉक्यूमेंट्स के जरिए इनके पता चलता है इज 5 जून 1400 व्हेन सम मनी वाज पेड व्हिच वाज ओड टू हिम। कुछ पैसा इनको दिया गया जो किसी ने लिया था इनसे, ये रिकॉर्ड में मेंशन किया गया है 5 जुलाई 1400। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। चासर डाइड ऑफ अननोन कॉजेज, इनके काज नहीं पता है कि ये क्यों मरे। ऑन 25 अक्टूबर 1400, अभी एक रेपुटेशन के व्यक्ति थे तो इनकी डेट ऑफ डेथ एक्चुअली पता है, और ये बहुत बहुत सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जहां की आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते, डेट ऑफ डेथ इनकी जरूर पूछी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस समझ में आ रही है। ऑल्दो द ओनली एविडेंस फॉर दिस डेट कम्स फ्रॉम द एनग्रेविंग ऑन हिज टॉम्ब व्हिच वॉज इरेक्टेड मोर देन 100 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। 100 साल बाद इनका एक टॉम्ब बनाया गया। टॉम्ब मीन्स गुम्बद बनाया गया, गुम्बद बनाया गया इनकी याद में। और यही एक एविडेंस है जिससे पता चलता है कि इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर को हुई, क्योंकि उस पर ये एनग्रेव किया गया, खुदा हुआ मिला। क्लियर हो गई बात। देर इज सम र्यूमर, कुछ ऐसी भी अफवाहें हैं, दैट ही वॉज मर्डर्ड बाई एनिमीज ऑफ रिचर्ड सेकंड, क्योंकि रिचर्ड सेकंड से बहुत लगाव रखते थे और उनके दरबारी कवि थे और उनके पेंशन पर रहते थे और उनसे पैसा लेते थे मोटा, और उनके आदमी थे भी थे खास। इवन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हिज सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी, प्रीसीडेसर का ये अपोजिट है। प्रीसीडेसर का मतलब होता है, ये सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, और इसका मतलब होता है पूर्वज, और ये है उत्तराधिकारी। रिचर्ड सेकंड, और इवन ऑन हिज ऑर्डर्स ऑफ हिज सक्सेसर, जो उसका उत्तराधिकारी था हेनरी 4, किसका, रिचर्ड सेकंड का। बट द केस इज इंटायरली सर्कमस्टांशियल। चासर वाज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे इन लंदन एज ही वाज राइट ओइंग टू द स्टेटस एज अ टेनेंट ऑफ द एबेस गोल्ड क्लोज्ड। ये टेनेंट थे, स्वामी थे उसके पास के एक बहुत बड़े हिस्से के, जहां पर इन्होंने अपना मकान बनवाया था। आपको याद होगा इन्होंने मकान बनवाया था वेस्टमिंस्टर एब्बे में, तो इनका वहां दफनाया जाना उचित था और वहीं से शुरू हुई लोगों को दफनाने की प्रथा वहां पर। इन 1556, 1556 में ये बात की बात है, हिज रिमेन्स, उनके जो खंडहर थे, वर ट्रांसफर्ड टू अ मोर ऑर्नेट टॉम्ब मेकिंग हिम द फर्स्ट राइटर इंटर्ड इन द एरिया नाउ नोन पॉयट्स कॉर्नर। फिर एक दूसरी जगह ऑर्नेट टॉम्ब को, इनकी इनकी सजी हुई टॉम्ब को, सजी हुई टॉम्ब को शिफ्ट कर दिया गया, पूरी की पूरी टॉम्ब को, इनके गुंबद को जहां पे इनको दफनाया गया था, और फिर उस जगह का नाम रखा गया पॉयट्स कॉर्नर। और ये घटना घटी 1556 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात समझ में आ रही है। इन 1556 रिलेशनशिप टू जॉन काउंट, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी 10 12 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चौसठ के बारे में बनेंगे, 4 5 तो अभी हो चुके हैं, और अब जो बाकी बचे पॉइंट्स यहां से आएंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा गहराई से पूछे जाएंगे, उनका भी जिक्र करेंगे हम, उससे कंटरबरी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे आगे। रिलेशनशिप टू जॉन ऑफ कॉन्ट, आप जानते हैं इनकी बीबी
इनकी बीवी जॉन ऑफ गॉन्ट की बीवी की परिचारिका थी, आपको ये बात पता है। चॉसर वॉज अ क्लोज फ्रेंड, ये बहुत अच्छे मित्र थे जॉन ऑफ गॉन्ट के। द वेल्दी ड्यूक ऑफ लंकास्टर, लंकास्टर के एक बहुत धनी ड्यूक यानी एक जमींदार, ड्यूक जैसे हमारे इंडिया में छोटे छोटे किंग्स होते थे, जमींदार होते थे, ये उसी जमींदार की तरह जॉन ऑफ गॉन्ट थे लंकास्टर में। एंड फादर ऑफ हेनरी फोर्थ, और वो फादर थे हेनरी फोर्थ के। एंड ही सर्व्ड अंडर लंकास्टर पैट्रोनेज, और उन्होंने बहुत लंबे समय तक लंकास्टर की पैट्रोनेज माने संरक्षण में सर्विस भी की थी। नियर द एंड ऑफ हिज दियर लाइव्स लंकास्टर एंड चासर बिकेम ब्रदर इन लॉ। लंकास्टर जिसका नाम, जो लंकास्टर जिसको जॉन ऑफ गॉन्ट के नाम से जानते थे, लंकास्टर एंड चासर बिकेम ब्रदर्स इन लॉ व्हेन चासर मैरिड फिलिपा, जब चासर की शादी फिलिपा से हुई, पैन डी रोट इन 1366, एंड लंकास्टर मैरिड फिलिपा सिस्टर कैथरीन सैनफोर्ड डी रोट जिसका नाम था इन 1396। ये दोनों डेट्स हैं, आप देख लीजिए, ये 96 और 66, इतना गैप है दोनों के बीच में। ये शादी बहुत बाद में हुई थी और ये बहुत पहले हुई थी। तो ये अपने 96 यानी अपनी मृत्यु से 4 साल पहले उसके उसके साढ़ू भाई बने थे, यानी ब्रदर्स हो गए थे। क्लियर हो गई बात। चासर की जो बुक ऑफ डचेज है, बुक ऑफ डचेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ खास नहीं पूछा जाने वाला है, पूछा सिर्फ इतना जाने वाला है ये किसकी लिखी हुई है, चासर की लिखी हुई है। अभी तो आपको पता है, मुझे भी पता है। हाँ बिल्कुल, ये क्या लिख रहे हो, चासर वॉज द हस्बैंड ऑफ जॉन गॉन्ट्स वाइफ। अच्छा और भी है कुछ आगे? नहीं रिका हो गया मंजूर भैया। डेथ ऑफ ब्लैंस द डचेस वॉज रिटन इन कमेमोरेशन ऑफ ब्लैंच ऑफ लैंकास्टर, जॉन गॉन्ट्स फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी जिस बाद में साधु बने, पहली पत्नी के लिए संबोधित करके उसको लिखी गई थी बुक ऑफ डचेस, उसकी मेमोरी में, मेमोरी ऑफ ब्लैंच ऑफ, ब्लैंस कहते हैं इसको, ब्लैंस ऑफ लंकास्टर, जो जॉन गॉन्ट की पहली पत्नी थी। ठीक है, ब्लैंस डाइड इन 1368, ब्लैंस से जो है उसकी मृत्यु 1368 में हुई, प्रोबेबली फ्रॉम द प्लेग, शायद प्लेग जो फैला हुआ था उस समय, एट द एज ऑफ 26, 26 साल की उम्र में। एंड जॉन ऑफ गॉन्ट मॉर्न्ड, ने विलाप किया, बहुत ज्यादा वो दुखी हुआ, परेशान हुआ, दुखी हुआ और विलाप किया उसने हर उसके लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, पूरे जीवन भर उसके लिए रोता रहा वो, इवन दाउ ही वुड रीमैरी, हालांकि उसने शादी भी कर ली, रोता भी रहा उसके गुणों के कारण, उसकी सुंदरता के कारण, उसके प्रेम के कारण, लेकिन फिर बाद में शादी कर ली। द बुक ऑफ द डचेस, ये जो किताब लिखी उन्होंने, इज थॉट टू हैव बीन कंपोज्ड ऑन द सेकंड एनिवर्सरी ऑफ हर डेथ, दूसरे वर्ष जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी उसके दूसरी एनिवर्सरी पर ये लिखी गई सोची जाती है, ऐसा कहा जाता है। चौसर शॉर्ट पोएम फॉर्चुनेट, फॉर्चून, सॉरी सॉरी, एक छोटी सी पोएम फॉर्चून, जो कि ये छोटी सी पॉइंट, ये छोटी सी पोएम है, ये शानदार पॉइंट बना रही है, शानदार पॉइंट। ये केवल इतना पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी चासर की रचना नहीं है, और उसमें हो सकता है पूछा जा सकता है निम्न राइटर्स में से किसने फॉर्चून लिखा है, और कैसे पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी चासर की रचना है, और फॉर्च्यून पर क्वेश्चन बनना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हैव बीन रिटन इन 1390, 90 में लिखी गई, इज आल्सो थॉट रेफरेंस टू लंकास्टर, यह भी उसी लंकास्टर की रेफरेंस में, मेमोरी में लिखी गई थी, जो उसकी जॉन ऑफ गॉन्ट की पहली पत्नी थी।
Chaucer as narrator openly defies fortune, proclaiming that he has learned who his enemies are through her tyranny and deceit, धोखे और इस आतंक से, अत्याचार से उसने इस बात को जान लिया है कि उसके दुश्मन कौन है। इस बात का जिक्र उसमें करता है। ये दोनों मीनिंग आपको पहले से पता है, डिसीट का मतलब धोखा। कोई बात नहीं। रिलीजियस बिलीफ्स, इनके जो धार्मिक विचार थे वो कैसे थे और किस तरह से ये अपने धर्म को लेकर के जागरूक थे और किस तरह से धार्मिक एटीट्यूड था इनका, ये बात हम आगे आपको समझाने जा रहे हैं। चौसर का जो एटीट्यूड था, जो दृष्टिकोण था इनका, टुवर्ड्स द चर्च शुड नॉट बी कंफ्यूज विद हिज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी। ही सीम्स टू हैव रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड क्रिश्चियंस एंड टू हैव बीन वन हिमसेल्फ। Though he also recognized that many people in the church were venal and corrupt, बहुत ही भ्रष्ट थे, ये दोनों भ्रष्ट थे, ये जानते थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही सच्चे क्रिश्चियन थे और एक क्रिश्चियन के एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में सामने आए। He seems to have respected and admired Christians, वो बहुत सम्मानित क्रिश्चियंस के रूप में निकल कर सामने आए। And to have been one himself, और खुद भी ऐसे ही थे। Though he also recognized that many people in the church were venal and corrupt, उन्होंने लिखा कैंटरबरी टेल्स में, Now I beg all those that listen to this little treatise on read it that if there be anything in it that pleases them, they thank our Lord Jesus Christ for it, from whom proceeds all understanding and goodness, अच्छाई और समझदारी, इसको समझने वाले। वो कहते हैं, Now I beg, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं मांगता हूँ, all those उन सबसे that listen to this, जो इस little treatise को, हमारे बीच संबंध को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और read it, जो इसको पढ़ रहे हैं, that इसको interpretation को, that it there be anything in it प्लीजेस हिम, इसमें ऐसा कुछ भी है जो उनको खुश कर सके, दे थैंक अवर लॉर्ड क्राइस्ट, तो वो लॉर्ड क्राइस्ट को धन्यवाद दें, मुझे नहीं, इसके लिए, क्योंकि लॉर्ड क्राइस्ट ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं कुछ कंटरबरी टेल्स में ऐसा लिख पाया जिसे लोग पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ही इज वेरी थैंकफुल टू गॉड, यानी, और ये बात सिद्ध करती है कि वो एक सच्चे क्रिश्चियन थे, फ्रॉम हुम प्रोसीड्स ऑल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडनेस, जो सब अच्छाई और समझदारी की बातें मेरे से जानना और समझना चाहते हैं। तो ऐसे सबूत मिलता है कि वो आगे चलते हैं। लिटरेरी वर्क्स, चासर्स फर्स्ट मेजर वर्क वाज द बुक ऑफ डचेस। बुक ऑफ डचेस ये मेजर वर्क था, फर्स्ट मेजर वर्क फॉर ब्लैंसे ऑफ लैंकास्टर, और ये एलिजी थी। एलिजी का मतलब होता शोक गीत, शोक गीत, ऐसा गीत जो किसी मृत्यु पर गाया गाया जाए, डिज लाइक मर्मर। तो ब्लैंसे ऑफ लैंकास्टर हु डाइड इन 1368। टू अदर अर्ली वर्क्स, वर्क्स की बात करेंगे तो एनिलिडा एंड आर्कसाइट, द हाउस ऑफ फेम, ये दो अलग और वर्क्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट, एनिलिडा एंड आर्साइट, एनिलिडा एंड आर्साइट, द हाउस ऑफ फेम, ये द हाउस ऑफ फेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनकी रचनाएं ही पूछी जाएंगी, और ज्यादा घुमा के क्वेश्चंस को भी बहुत ज्यादा लाइफ से इनकी नहीं पूछे जाने वाले, इनकी रचनाएं पूछी जाएंगी और इनकी जो मेन मेन घटनाएं हैं, कब ये कंपटीटर बने, कब ये क्लर्क बने, कब इन्होंने महल बनवाने के लिए एक मिस्त्री की तरह, राजगीर की तरह काम किया, कब इन्होंने उस बगीचे की, फॉरेस्ट की लीडरशिप संभाली, और कब उसकी देखरेख के लिए इनको वहां का नियुक्त किया गया, दर्शक वहां का व्यक्ति नियुक्त किया गया, मेन हेड नियुक्त किया गया। ही रोट मेनी ऑफ हिज मेजर वर्क्स इन अ प्रोलिफिक पीरियड व्हेन ही हेल्ड द जॉब ऑफ कस्टम कंपोट्रोलर, कस्टम्स ऑफ कंपोट्रोलर की जॉब को जब ये छोड़ दिए, फॉर लंडन 74 to 86 स्टेटमेंट। अगली जो रचना इनकी थी, द पार्लियामेंट ऑफ हाउल्स, इन्होंने लिखा,
बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। मैंने कहा ना इनके वर्क्स पूछे जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी एग्जाम में आते हैं। द लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रायल्स एंड प्रोसीडिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल डेट फ्रॉम दिस टाइम, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये तीनों वर्क इनके याद रख रहे। इट इज बिलीव्ड दैट ही स्टार्टेड द कंटरबरी टेल्स इन 18, ये पहले भी पॉइंट आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से लेने हैं कि जितने भी। चासर आल्सो ट्रांसलेटेड बॉयथियस, जो कंसिलेशन ऑफ फिलोसफी के नाम से था, एंड द रोमांस ऑफ द रोज भी बाय गल्यूम डी लॉरिस, एक्सटेंडेड बाय जॉन डी म्यू के द्वारा जो एक्सटेंड किया गया, उसको भी ट्रांसलेट करने के लिए जाने जाते हैं। और फिर एस्टासे डसेम कॉल्ड हिमसेल्फ अ नेटल इन चासर्स गार्डन ऑफ पोएट्री। ये एस्टासे डसेम एक राइटर थे जो खुद को नेटल इन चासर्स गार्डन ऑफ पोएट्री कहते थे, कहते हैं मैं नेटल की तरह हूं, जो चासर की गार्डन में, गार्डन की पोएट्री की गार्डन है, उसमें मैं एक नेटल की तरह हूं, अपने आप को तुलना देते थे। इन 85 थॉमस अस्क मेड ग्लोइंग मेंशन ऑफ चासर का, बहुत शानदार मेंशन किया, एंड जॉन गावर आल्सो लॉडेड हिम। जॉन गावर ने भी उनकी बाद के राइटर्स में से महत्वपूर्ण नाम ने भी बहुत प्रशंसा की। लॉड करना का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, LAUD, कहते बहुत लाड करता हूँ। लाड का मतलब, लाड का मतलब प्रेज करना, यानी अप्रिशिएट करना, एडमायर करना, है ना, है ना, कमेंट करना। ये सारे वर्ड्स का मतलब ये है क्या, प्रशंसा करना। तो उनकी बहुत ही लाड किया। चासर सिटाइज ऑन द एस्ट्रोलैब डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ द यूजेस एस्ट्रोलैब ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेक एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स। जो मेजरमेंट्स होते हैं दूरियां नापने के लिए अंतरिक्ष की, उनके यूजेस के बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है। इनको लगता है फिजिक्स का और एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान था, एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज्ञान था। इन डिटेल्स एंड दिस समटाइम्स साइटेड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। पहली बार किसी ने टेक्निकल फिजिक्स की भाषा में मैथ्स का यूज करते हुए टेक्निकल राइटिंग को लिखा, पहली ये किताब थी ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलैब, जो इनका अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत ही रुचि को भी दिखाती थी और एक बहुत अच्छा एस्ट्रोनॉमर भी इनको कहती है। एंड इट इंडिकेट्स दैट चासर वाज वर्स्ड इन साइंस, बहुत ही ये दक्ष थे। वर्स्ड का मतलब होता है दक्ष, बहुत ही दक्ष थे, कुशल थे साइंस में भी। या तो इनकी लिखी भी नहीं थी। इन एडिशन टू हिज लिटरेरी टैलेंट, अपने लिटरेरी टैलेंट के अलावा, इन एडिशन टू, ये दक्ष थे वर्ड्स दे बहुत ही ज्यादा लैंग्वेज के अलावा टेक्निकल राइटिंग्स में भी और साइंस में भी, ऐसा लगता है। हाँ, वैलेंटाइंस डे, ठीक। द एक्वेटोरी ऑफ द प्लांटिस, ये स्पेलिंग उसी समय की है, इज अ साइंटिफिक वर्क फॉर सिमिलर टू द टिटीज, इसी के जैसा एक और वर्क, एंड समटाइम्स एस्क्राइब टू चॉसर्स बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज एंड हैंड राइटिंग, एंड इन आइडेंटिफिकेशन विच स्कॉलर्स नो लॉन्गर डीम टेनेबल। राइटिंग और दूसरी चीजें जो मैच करते हैं इनके दूसरे वर्क से, इसे सिद्ध होता है किसी और स्कॉलर की नहीं बल्कि उन्हीं की है, चौसर की ही है, और लिखी भी उसी प्रकार से है, उसी स्टाइल से। रफली 75 इयर्स आफ्टर चौसर डेथ द कंटरबरी टेल्स वाज सेलेक्टेड बाय विलियम कॉक्स कैक्सटन, ये प्रेस लगाने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार प्रेस की स्थापना की इंग्लैंड में, was selected by William Caxton to be one of the first books to be printed in England. पहली वो किताब बनी जो प्रिंट की गई जब प्रेस की स्थापना की गई इंग्लैंड में, और प्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम विलियम कैक्सटन था और वो बहुत बड़े एडिटर थे अपने समय के।
लिटरेरी वर्क्स में वाइड स्प्रेड नॉलेज ऑफ चासर्स वर्क इज अटेस्टेड बाय द मेनी पोएट्स हु इमिटेटेड और रिस्पोंडेड टू हिज राइटिंग्स। इससे पता चलता है कि जब बाद में आपके वर्क की कोई तारीफ करता है, कोई बहुत बड़ा राइटर या स्कॉलर आपके काम को देखता है और वो कहता है ये बहुत शानदार काम इसने किया है, तब दुनिया को पता चलता है। जिस समय वो काम कर रहा होता है उस समय लोग उसको नहीं जान पाते, केवल उसके आसपास और जो लोग उससे जुड़े हैं वही जान पाते हैं कि कैसा काम कर रहा है। लेकिन बाद के लोग जब इस बात की चर्चा करते हैं कि वो कैसा उसका कार्य था, तो आपको वो याद किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे राइटर्स थे जिनके बारे में हमें बाद में उनकी मृत्यु के बाद पता चला। जॉन लिडगेट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पोएट्स टू राइट कंटिन्यूअल ऑफ द चासर्स अनफिनिश्ड टेल्स, व्हाइल रॉबर्ट हेनरीसन्स टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिडी कंप्लीट्स द स्टोरी ऑफ क्रेसिडी क्रेसिडा लेफ्ट अनफिनिश्ड इन ट्रायल्स ऑफ क्रेसिडी। जो इनकी अनफिनिश्ड स्टोरी थी उसे कंप्लीट किया उन्होंने और ये बहुत बड़ा काम था। और ये थी चासर की अनफिनिश्ड टेल्स में रॉबर्ट हैनरीसन्स टेस्टामेंट। ये टेस्टामेंट नाम की रचना रॉबर्ट हैनरीसन की है, जिन्होंने इनकी तारीफ में क्रिसीडा की स्टोरी को तारीफ करते हुए क्रिसीडा की स्टोरी को कंप्लीट किया जो कि चासर ने अनफिनिश्ड छोड़ दी थी। मेनी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ चासर्स वर कैप्ट कंटेन मटेरियल मटेरियल फ्रॉम दीज पोएट्स एंड लेटर अप्रिसिएशंस बाय द रोमांटिक एरा के पोएट वर सेव्ड बाय देयर फेलियर टू डिस्टिंग्विश द लेटर एडिशंस ऑफ द ओरिजिनल चासर। अपने राइटिंग्स के जरिए चासर की राइटिंग्स की तारीफ रोमांटिक एरा के कवियों ने भी खूब किया और बहुत सारे प्रशंसाएं और अप्रिसिएशन से इनको मिले, ठीक है ना। राइटर्स ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरी सच एज जॉन ड्राइडन एडमायर्ड चासर फॉर हिज स्टोरीज, उनकी कहानियों के लिए बहुत तारीफ की कैंटरबरी टेल्स की, बट नॉट फॉर द रिदम एंड राइम। लयबद्धता का अभाव या लयबद्धता का बहुत ही बेहतरीन उपयोग न कर पाना ये भी इनकी एक थोड़ा सा कमी रही। एज फ्यू क्रिटिक्स कुड हैव रेड मिडिल इंग्लिश एंड द टेक्स्ट हैड बीन बुचर्ड, टेक्स्ट को थोड़ा सा बुचर किया बाय प्रिंटर्स लीविंग अ सम व्हाट अनएडमायरेबल मेस। थोड़ा सा जो अनएडमायरेबल मेस है तो राइमिंग और जो जो टेक्स्ट इनकी बहुत अच्छी उम्दा क्वालिटी की नहीं बनी, इस वजह से कहानियों की तारीफ सबने की, लैंग्वेज की तारीफ सबने की। इट वाज नॉट अंटिल द लेट 19th सेंचुरी जब तक के ऑफिशियल चासरियन कैनन एक्सेप्टेड सिद्धांत नहीं स्वीकार कर लिए गए, वाज डिसाइडेड अपॉन द लार्जली एज द रिजल्ट ऑफ विलियम स्कीट्स वर्क। जब तक वाल्टर विलियम W.W. स्कीट का वर्क नहीं आया तब तक 19th सेंचुरी में तब तक चासरियन कैनन को बहुत ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया गया। इनके जो मेजर वर्क्स थे उनको एक बार मैंने कलेक्ट कर दिया है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैंने बोल्ड करके रेड कर दिया है, बोल्ड नहीं बल्कि रेड कर दिया है। इनको आप देखिए, ट्रांसलेशन इन्होंने किया रोमन डी ला रोज का, इसको मैं बता चुका हूँ डिटेल में आपको, पॉसिबली एक्सटेंट द रिमाउंट ऑफ द रोज, जो ये था रोमन, ये ट्रांसलेट किया। द बुक ऑफ डचेस, आप जानते हैं किसकी मेमोरी में लिखी गई, कब लिखी गई, ये सब बताया गया है आपको। द हाउस ऑफ द फेम एंड लिडा एंड आर्काइट आर्साइट पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स ट्रांसलेशन ऑफ वॉयस एंड कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ वॉयस ट्रायल्स एंड क्रेसिडी द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन द कैंटरबरी टेल्स एंड द ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलैब। ये जो फिजिक्स की भाषा में लिखी गई एक टेक्निकल बुक थी, इसको भी आपने, ठीक है। शॉर्ट पोएम्स इन्होंने जो लिखी उसमें एंड एबीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चासर्स वर्स ऑन टू एडम टू ओन्स स्किवियन डिस्प्यूटेड है ये कि इनकी लिखी है कि नहीं लिखी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप कर भी सकते हैं। द कंप्लेंट ऑन टू पिटी द कंप्लेंट ऑफ चासर टू हिज पर्स द कंप्लेंट खूब कंप्लेंट की कंप्लेंट ऑफ मार्स कंप्लेंट ऑफ वीनस कंप्लेंट टू हिज लेडी द फॉर्मर एज और फॉर्च्यून, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कंप्लेंट के नाम से कोई आ जाए तो समझ लो वो चासर की देन, ठीक है। जेंटलीज
जेंटिलीज ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटे नाम जितने होते हैं इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लैक ऑफ स्टीडफास्टनेस ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, यही उस समय की लैक की स्पेलिंग है, ये नहीं। लिनोय डी चासर्स स्कोगन, लिनोय डी चासर्स बक्टन, कुछ प्रोवर्स इन्होंने दी, बैलेड टू रोजमाउंड लिखा इन्होंने, ट्रुथ नाम की एक पोएम लिखी खूबसूरत, वुमनली नोबलनेस इन्होंने लिखी, पोएम्स ऑफ डाउटफुल ऑथर्स, जिन पर डाउट है लोगों को कि ये इनका वर्क है कि नहीं है, अगेंस्ट वुमेन अनकॉन्स्टेंट, ये सोचा जाता है कि कहीं कहीं राइटिंग इनकी मिलती है, कुछ काम का स्टाइल इनके लगता है ऐसा कि वहीं से है, लेकिन ऐसा हो नहीं भी सकता है। अ बैलेड ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट टू डिमोर और मर्सीलेस ब्यूटी और इक्वेटोर ऑफ प्लैनेट्स, ये ऐसी ऐसी ऑथरशिप इनमें डाउटफुल है कि इनका है या नहीं, इस पे लोगों को शक है। हम क्लास को आपकी यहीं पर खत्म करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ये पीपीटी आपको दे देंगे आज ही, ये अभी मिल जाएगी आपको, आप इसको पढ़िएगा और इसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आराम से आप करिएगा, और फिर हम मिलेंगे। अभी आज क्लास है हमारी, और हमारी क्लास का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया था, 7 से 9 तो नहीं, खैर 1.5 घंटे कम से कम, एसएससी का मैं एक बैच शुरू कर रहा हूँ प्रैक्टिस का, आपके लिए 1 घंटा और मैं बढ़ा रहा हूँ, 10 से 11, ये लिटरेचर की प्रैक्टिस होगी, आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसमें है कितना दम, बात समझ गए, ये लिटरेचर की प्रैक्टिस, लिटरेचर की प्रैक्टिस के लिए आ जाइएगा, कहीं मत जाइएगा, अगर दिखाई ना पड़े तो सोच लेना ये है मौका तैयारी का बेटा, 1 घंटे रोज प्रैक्टिस चलती रहेगी, बात समझ में आ रही है, मंजूर भैया, सब लोग बहुत ध्यान से समझें, और तुम अपना समय क्यों वेस्ट कर रही हो शिवानी, अब तुम मार खाओगी बेटा, तुम बहुत उसमें अननेसेसरी कमेंट करती हो, ठीक है ना, बात समझ रही हो, बिल्कुल किसी प्रकार का अननेसेसरी कमेंट वहां ना करें, ना तो कोई पर्सनल रिमार्क करें वहां पर, तुम इसको बंद कर दो और चली जाओ, जाके कुछ पढ़ाई करो अपनी, ये तुम्हारे लेवल की चीजें नहीं है, बात समझ गई शिवानी, बिल्कुल हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ज्यादा वहां पर बातें ना करो, अगर देखना है तो देखो शांति से, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो बात समझ लो मेरी, मेरी क्लास में भैया लोग हैं ना तुमसे बड़े हैं बेटा वो लोग, और वो जो है नाराज हो जाएंगे तो तुमको डांट पड़ जाएगी, बात समझ रही हो, इसलिए ठीक है बेटा, मिलते हैं शाम को पहले 7 बजे, 7 से 8:30 या 9 तक एसएससी का, आप जो भी आपके आसपास हो लोग हो उनको बता दीजिएगा कि एसएससी का एक बैच में प्रैक्टिस सेट, जिसमें एमबी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा मैं, एमबी पब्लिकेशन चलेगा जो भी, और मैंने पहला ही पेपर मेंस का लिया है 200 क्वेश्चन वाला, और इसको देखते हैं कितना हो पाता है, तो एमबी पब्लिकेशन में शुरू कर रहा हूँ, ये शेड्यूल आपको बता दिया गया था, और 10 से 11 लिटरेचर की शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें 1200 क्वेश्चन की सीरीज है, 1200 क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें से कम 100 क्वेश्चंस शायद आप कर चुके हैं, ठीक है ना, ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है ना, तो मिलते हैं रात के 10 बजे, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, जय हिंद जय भारत।